हाय फ्रेंड्स, सो वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और अभी निकल पड़े हैं मनाली डे टू के लिए। हम लोग जा रहे हैं सोलांग वैली शिशु विलेज कुछ बर्फ की खोज पे। तो चलिए देखते हैं आगे कैसा है जर्नी, आपको बताते हैं और आगे की रास्ता बताते हैं। तो अभी हम लोग शिशु की तरफ बढ़ रहे हैं और ये देखिए रास्ते में व्यू। Snow capped mountains. दिस इज स्वर्णाली, आप देख रही मेरी चैनल माइंड बटर। तो चैनल का इंट्रो देख के तो पता चल ही चुका है, आज है मनाली का डे टू और हम लोग आज विजिट करेंगे शिशु विलेज, स्नोफॉल एरियाज और अटल टनल और लाहौल स्पीति एरियाज। तो चलिए देखते हैं आगे कैसा रहेगा आज का दिन और लास्ट में हम लोग जरूर जाएंगे आज दी मॉल रोड, दी फेमस मनाली मॉल रोड। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो आज थोड़ी सी लंबी रहेगी, बीच में मत छोड़ दीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिए। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी क्योंकि हम लोग का ये जो मेक माई ट्रिप का कार है ये हम लोग लाहौल स्पीति या शिशु विलेज तक नहीं ले जा सकते हैं, इसके लिए हम लोग को लेनी पड़ेगी एक दूसरी कार जो स्मॉल साइज का कार है, जैसे मारुति 800 या ऑल्टो, वो पड़ेंगे 5000 रुपीज़, और थोड़े बिग साइज़ का जो कार है उसको शायद 8000 रुपीज़ के करीबन पड़ेगा। और हम लोग को लेनी पड़ेगी कुछ रेंटेड ड्रेसेस जो स्नोफॉल स्नो एरियाज़ के लिए होगा, तो वो ड्रेसेस पर है 250 रुपीज़ करके हैं। ऐसे आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी ले रहे हैं शॉप से, हम लोग ले रहे जूते, ड्रेसेस और सॉक्स। सॉक्स अगर लेनी है तो आपको ख़रीदनी पड़ेगी जो है 100 रुपीज़ फॉर किड्स एंड 150 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स। तो चलिए बनते हैं आगे और देखते हैं कैसा रहेगा दिन। हाँ तो क्या बेटर है ये सॉक्स में, तो सॉक्स आपको 25 में लेगा, 150 का सेल है, बड़ी का 150, छोटी का 100 रुपीज़। ठीक है, शैम्पू रिटर्न नहीं देना आपको। मैं पढ़ा भी के पढ़ा भी हो पढ़ा भी तो हम लोग ने पूरा ड्रेसअप कर लिया है बर्फ के लिए। हम लोग अभी जा रहे हैं शिशु विलेज, तो आगे मिलते हैं शिशु विलेज में। चलिए लेट्स सी। तो हम लोग और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पहाड़ों की खूबसूरती मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत ही सुंदर है, इट्स रियली मेस्मराइजिंग। तो हम लोग शायद अभी सोलांग वैली क्रॉस करेंगे, उसके बाद कहीं और हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग करेंगे आइस में एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग अटल टनल, फिर शिशु, तो ऐसे ही हम लोग का दिन कवर अप है। तो चलिए देखते हैं आगे। इसी रास्ते में ना आपको दोनों तरफ दिख जाएंगे ऐसे कपड़े रेंटेड वाले शॉप्स, जो मेनली जो आइस के कपड़े और बहुत ठंडे वाले कपड़े रेंट मिल रहा है। और हम लोग भी ऐसे एक शॉप पे रुके थे जहाँ पे हम लोग ने कार ले लिया, तो हम लोग ने मारुति 800 लिया था और हम लोग अभी जहाँ जा रहे हैं कुछ एक्टिविटीज़ करने, तो एक्टिविटीज़ का भी कुछ चार्जेस है। तो हम लोग ने बस दो ही एक्टिविटी चूज़ किए हैं, एक है स्कीइंग और दूसरा है ट्यूब राइड, तो उसके लिए शायद हम लोग को और 500 रुपीज़ पर गेम के लिए देना पड़ा है और 5000 रुपीज़ का कार का चार्ज था जैसे कि मैंने कहा था, और 250 रुपीज़ का ड्रेसेस का चार्ज है पर हेड। और मेरी बेटी के लिए ड्रेस का चार्ज उन लोगों ने नहीं ली है क्योंकि वो छोटी है इसीलिए, और सॉक्स के लिए जैसे कि मैंने कहा 150 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 100 रुपीज़ फॉर किड्स। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का दिन।
ये रहा सोलंग वैली। तो हम लोग सोलंग वैली पे और हॉल्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने सोचा था शायद बर्फ होगी, लेकिन बर्फ तो है नहीं, तो बर्फ की कोई एक्टिविटीज भी यहाँ पे नहीं हो रही है। तो दूसरा रहा सिर्फ पैराग्लाइडिंग, तो जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कुल्लू में। तो हम लोग अभी बढ़ रहे हैं आगे। सो दिस इज द सीनिक ब्यूटी, वी आर हियर नियर टू अटल टनल। हम लोग अभी करेंगे कुछ एक्टिविटीज। ये रहा बेबी, शो मी, से हाय। ओहो, से हाय अभिजीत, शो मी योर ड्रेस। सो ये सब बर्फ की ड्रेसेस है, पूरा बर्फ की ड्रेस में है। ठीक है। वाव वाव, व्हाट अ ब्यूटी। चल हम लोग ऐसे बाइक से आए, वो रहा सी द ब्यूटी, कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी है बर्फ में, हाँ बेबी, हम लोग बर्फ में हैं, आपको दिखाते हैं। वाह, तो ये रहा वो जगह, वो पॉइंट जहाँ पे हम लोग करेंगे कुछ एक्टिविटीज। यहाँ बहुत ठंडी है, धूप तो एकदम ही नहीं है और बर्फ भी बहुत ही ज्यादा है, मतलब मैं जम रही हूँ। इवन बहुत लोग फिसल भी रहे हैं, गिर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कैसा है। प्रिकॉशंस एंड ऑल दैट, लेकिन बहुत मज़ा आया है। बर्फ़ में सही में लगती कम है क्योंकि ये बर्फ़ एकदम फ्रेश बर्फ़ था जो जस्ट कल रात को ही गिरा है। तो बहुत मस्ती की हम लोग। तो हम लोग अभी वहाँ से निकल गए हैं और अभी हम लोग फिर से गाड़ी पे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं अटल टनल के तरफ, दी फेमस अटल टनल। और उसके बाद हम लोग क्रॉस करके जाएंगे लाहौल स्पीति और सिसु विलेज। तो चलिए देखते हैं आगे। ये
फाइनली हम लोग आ चुके हैं अटल टनल पे। ये बहुत ही फेमस है, इट इज़ दी हाईएस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल इन दी वर्ल्ड। अबव 10,000 फीट के ऊपर है ये, और ये काफ़ी मतलब ये होने के बाद बहुत मतलब लेह लद्दाख अभी बहुत सामने आ चुका है। बहुत कम समय में हम लोग जा सकते हैं, और ये डिस्टेंस इज़ अराउंड 9 to 10 किलोमीटर्स, जो अराउंड आई थिंक 10 to 12 मिनट्स लगते हैं क्रॉस करने में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं साउथ गेट के पास, हम लोग साउथ से जाएंगे नॉर्थ, और फिर आने के टाइम हम लोग आएंगे नॉर्थ से साउथ। चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं अटल टनल के, अंदर जा रहे हैं। South portal. So we are entering south portal. I mean, we entered the south portal of Atal Tunnel. Wow. The Atal Tunnel. ये देखिए इन लोगों की मस्ती, वाओ दे आर एंजॉयिंग। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे गाड़ी रोक नहीं सकती है, यहाँ पे कंटिन्यूस रनिंग होनी चाहिए कार टिल यू कम आउट ऑफ द टनल। और क्योंकि सब कुछ मॉनिटर होती है यहाँ पे, चारों तरफ कैमरा है, इमरजेंसी गेट से बहुत ही एक वेल ऑर्गेनाइज टनल है, तो बहुत ही अच्छा है। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा चैनल और मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब, हिट द बेल बटन फॉर मोर नोटिफिकेशन, एंड कीप वॉचिंग, कीप लविंग माइंड बटर। हम लोग बाहर आ चुके हैं अटल टनल के, और एक बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया हम लोग के लिए वेट कर रही थी, बहुत ही सुंदर। चारों तरफ हल्के हल्के बर्फ़ है और बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और जैसे लग रहा है कि दूसरी दुनिया में ही हम लोग आ चुके हैं। बहुत सुंदर है, मतलब आँख को इतना मतलब खूबसूरती वाली सुकून मिल रही है, मैं बयान नहीं कर सकती। और ठंड तो मैं बता नहीं सकती, आप लोग देख सकते हैं झरने भी बर्फ़ हो चुकी है, ये एक वाटरफॉल है जो बर्फ़ हो गई है, बहुत ठंडा है, इट्स -7 to -8 डिग्रीज फॉर श्योर। लावाल में आपका स्वागत है। लावाल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। क्या है वो, तो बस ऐसे ही थोड़ा विजिट करने के लिए आपको। अच्छा अच्छा
तो हम लोग अभी शिशु विलेज के तरफ आ गए हैं और ये रहा शिशु विलेज और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, तो कुछ खाने की चीज़ें भी है, एक बड़ा सा हेलीपैड है, एक थोड़ा रेस्ट और हम लोग थोड़ा अभी बैठेंगे, थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। चारों तरफ स्नो कैप माउंटेंस हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और जैसे कि आपने देखा -7 डिग्रीज चल रही है टेम्परेचर, तो अभी हम लोग करेंगे लंच यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी 1 बजने वाली है और भूख भी काफ़ी लगा है। तो चलिए देखते हैं आगे। हेलीपैड अभी हम लोग खा रहे हैं गरम चाय, बहुत ज़्यादा ठंडी है। अब देखिए कितना मस्त है, सी दिस व्यू, दिस इज शिशु विलेज, वी आर इन शिशु विलेज नाउ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, सब लोग बहुत कुछ खा रहे हैं, हम लोग भी मैगी और मोमो खाए। कुछ बोलिए ना, क्या मैगी और मोमो, वही ना बस। चावल हम लोग अभी शिशु विलेज पे कर रहे हैं लंच क्योंकि ऑलरेडी 1 बज चुका है। और बैकग्राउंड में देखिए, बैकग्राउंड का व्यू देखिए, लंच विद द व्यू, व्हाट अ ब्यूटी, जन्नत है जन्नत। सब जाते हैं स्विट्जरलैंड, इंडिया आप देखो पहले इंडिया। हाय अभिष्वरा, हाय आई एम द मैगी, व्हाट यू आर ईटिंग, मैगी, हाउ इज द मैगी, गुड गुड, ओ आ गई मेरी मोमोस, हम लोग सब खा रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा हॉट है, वेरी ब्यूटीफुल दिस मोमोस विद दिस व्यू। ठंडे में कोका कोला, दिस इज द रियल ब्यूटी ऑफ हिमाचल, चिलिंग बोन चिलिंग कोल्ड और खूबसूरती से भरा हुआ शिशु विलेज। ये रहा शिशु विलेज लाहौल स्पीति के पास, बहुत ही खूबसूरत। तो हम लोग का हो चुका है, हम लोग थोड़ा बहुत खा लिए हैं आपने जैसे देखा, अभी हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं, उसके बाद हम लोग अभी फिर से डाउन में जाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे मॉल रोड जो कि द लास्ट डेस्टिनेशन अभी बाकी है मनाली में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, अभी काफ़ी ट्रैफिक होगा अटल टनल पे और कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। तो अभी हम लोग शिशु के से वापस लौट रहे हैं मनाली की ओर, और देखिए स्नो कैप माउंटेन्स। अभी कुछ दिन में अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल आएगा जहाँ से हम एंट्री लेंगे, अटल टनल क्रॉस करके फिर मनाली, बैक टू मनाली। अभी हम लोग लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हैं, एक बार अटल टनल क्रॉस कर लिया फिर मनाली डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग अभी आ चुके हैं फिर से नॉर्थ पोर्टल गेट पे, अभी हम लोग जा रहे हैं मनाली के तरफ। तो हम लोग नॉर्थ पोर्टल से जाएंगे साउथ पोर्टल और फिर आगे बढ़ते रहेंगे मनाली मॉल रोड के तरफ।
we are exiting Atan Tunnel now towards the south portal. मनाली मॉल रोड है, बहुत बढ़िया नजारा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं मॉल रोड। आप लोग देख सकते हैं एक बहुत ही हैपनिंग जगह है ये। शिमला का मॉल रोड से भी कई गुना ज़्यादा भीड़ है और कई गुना ज़्यादा हैपनिंग मुझे लगा। और यहाँ पे बहुत सारे दुकानें हैं चारों तरफ, हैंडमेड चीज़ें हैं, वुलन कपड़े की चीज़ें हैं, इवन बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, रेस्टोरेंट्स, खाने की चीज़ों तो इन्फिनिटी है, बहुत सारे है, बहुत मस्ती कर रहे हैं हम लोग। एट इन वन फॉर बेबी, सो मनाली के 8-in-1 सॉफ्टी। माल कश्मीर कैफे 1986 फेमस वन आई गेस इन मनाली, लॉट ऑफ पीपल कम हियर। तो मॉल रोड के बीच में ये एक बड़ा सा दुर्गा मंदिर है, दुर्गा माता की मंदिर, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे पूजा चल रही थी और बहुत अच्छा लगा माँ के दर्शन करके। हाउ आर यू फीलिंग? यू एट फुचका एंड आइसक्रीम? ओके ओके। सो ये रहा व्यू। हम लोग एक खाने के पॉइंट पे आए हैं, यहाँ बहुत सारे कैफेज और बाबा चाय बार, दिस इज़ वेरी फेमस एक्चुअली। और ये रहा मॉल रोड, खा रहे हैं। हाय माँ कैसे? चिलिंग -5 डिग्री, हैविंग आइसक्रीम। तो ऐसे ही हम लोग ने आज का दिन बिताए थे मनाली में, आखिरी दिन था और बहुत मज़े किए हम लोग। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मनाली टू चंडीगढ़, हम लोग फिर से चंडीगढ़ वापस जाने वाले हैं। तो मिलते हैं आगे एक नए वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग माइंड बटर। थैंक यू।